कहानी दूजी पापा रा संसारा च आउना। आदम और तीसरी पत्नी परमेश्वर सुने बगीचे च बहुत खुश थे और से नंगे थे, पर तिना जो कोई फर्क नहीं था। इस समय धरती पर पाप नहीं था। से कदी कदी बगीचे च घूमा थे और परमेश्वर कने बात करा थे। प्रतीति बगीचे च एक सांप था और से बहुत चलाक था। तिने औरता ते पूछया कि सच्ची परमेश्वर ने इस बगीचे रे पेड़ा रे फल खाने जो ना कितरी। तीसा औरता ने बोलिया, परमेश्वर ने ऐसा जो बोली रहा भई भले और बुरे पेड़ा रे फल नहीं खाने, बाकी असे सारे पेड़ा रे फल खाई सकाए। परमेश्वर ने ऐसा जो बोली रहा जे तुसे इतेरा फल खाया या छुया तो तुसे मरी जाने। तीन सांप ने औरता जो बोलिया, ए सच नहीं आ, तुसे नहीं मरने। परमेश्वरा जो पता भई जे तुसे ये फल खाया तो तुसे परमेश्वरा सही हुई जाने, तब तुसे भले बुरे रा फर्क समझने लगी जाने। तब तिसे औरता ने देखा कि ये फल तो बड़ा सोना और देखने जो भी स्वाद आ। से भी समझदार बनना चाह थी और तिसे फल तोड़ी के खाई लिया। तब तिसे अपने पति जो तिसा कने साथी था तिसो भी दित्या और तिने भी खाई ला। एकदम तिनारी आँखी खुली गया। तब तिना जो पता लगेगा भई से नंगे। तब तिने पत्ते ले और सिले और शरीरा जो टकनेरी कोशिश कीती। तब आदम और तिसारी पत्निया ने बगीचे च परमेश्वर रे घूमने री आवाज जो सुनिया, तब से दोनों जने छुपी गए। तब परमेश्वर ने आदमा जो बोलिया, तू कीती है? तब आदमा ने बोलिया, भई मैं तुसा जो बगीचे च घूमते हुए सुनिया और आऊँ डरीगा और आऊँ नंगा था, इस खतर छुपीगा। तब परमेश्वर ने पूछया, तिजो की ने बताया कि तू नंगा? क्या ते से फल खाया जो मैं ना कीती थी? आदमा ने बोलिया, तुसे जो औरत मिंजो दीती इसे मिंजो ये फल खिलाया। तब परमेश्वर ने औरता ते पूछया, ते ए क्या कीत्या? तब औरता ने बोलिया, सांपा ने मिंजो धोखा दित्या। परमेश्वर ने सांपा जो बोलिया, तू सरापित आ, तू धरती पर लूरी के चलना और मिट्टी खानी। तू और ए औरत एक दूजे कने नफरत कर गे और तेरे बच्चे और इसारे बच्चे एक दूजे कने नफरत कर गे। ईसा और तारा कुल तेरे सिरा जो मरोड़गा और तू तिनारी अडिया जो डसगा। तब परमेश्वर ने औरता जो बोलिया, जब तेरे बच्चा होना तब मैं तेरी पीड़ा जो ज्यादा बढ़ांगा। तिस समय तेरा मन अपने आदमिया रे तरफ होना और तिने ता पर राज करना। परमेश्वर ने आदमा जो बोलिया, ते अपनी औरता री सुनी और मेरा कहना नहीं मान्या। इते खतर धरती बुराइया च डूबीगी। अब तिजो खाने खतर कड़ी मेहनत करनी पड़नी और अब तू मर जाना और तेरा शरीर मिट्टिया च मिली जाना। तिने आदमी अपने औरता रा नाम हवा रख्या, जितेरा मतलब जीवन देने वाली। से सब जातिया री माँ हुई। तब परमेश्वर ने आदम और हवा जो जानवर री खाला रे कपड़े पहनाए। तब परमेश्वर ने बोलिया, भले और बुरे री पहचाना रे बाद आदमी असा साई हुई गया। इते खतर तिनाओ जीवना रे पेड़ा रे फल नी खाने देने, नहीं तो ए सदा जिंदे रहने। इते खतर परमेश्वर ने आदम और हवा जो बागा ते बार करीता और परमेश्वर ने कोई भी तीते फला जो ना खाओ। तीते खतर बागा रे दरवाजे पर ताकतवर स्वर्ग दूता जो बिठाईता।